की याद आ रही है बेटा? समझ में नहीं आता दादी, आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो फिर ऐसा कोई क्यों करता है? उसने किया या तूने किया? मैंने क्या किया? बेटा तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया, और जब विश्वास कमजोर पड़ जाता है ना तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। सब खत्म हो गया, वो सानिया की गलती की वजह से, उसकी आज जो स्थिति है उसकी वजह से, उसकी वजह से हम अपने और करण के रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। उन दोनों की शादी के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी खुशी की आहुति देनी पड़ेगी। डिवोर्स, यही उस संस्कार की शर्त है। करण, ये देखो मेहंदी की कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। क्या लग रहा है आपको, ये पार्टी मैंने अपनी शादी की खुशी में रखी है? ना, साने से शादी तो मैं सिर्फ नाम के लिए कर रहा हूँ, ये पार्टी है आभा और करण के तलाक की खुशी में। आज मैंने आभा को उस रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जो रास्ता सिर्फ मुझ तक आता है। तुम लोग पिक्चर देखो, मैं अभी आई। अब जाना चाहते हैं, कल क्या होगा? कल जब बाबा आएगी ना मेरे पास डिवोर्स के पेपर्स लेके, मेरे गुंडे उसे किडनैप करके मंदिर ले जाएंगे और मैं भी किसी तरह स्वर्ण भवन से मंदिर पहुंच जाऊंगा। फिर क्या, मेरी शादी मुन्ने, मगर सानिया के साथ नहीं, आभा के साथ। ठीक है, हम तुम्हें वो पेपर्स ला देंगे, लेकिन सात फेरे पूरे होने के बाद, सानिया से शादी होने के बाद। आभा, ये खेल मेरा है और इसके नियम भी मैं ही बनाऊंगा, और वो मैं बना चुका हूँ। हमने आज तक जो कहा है वही किया है संस्कार। तुमने तो मुझसे शादी के लिए भी हाँ कहा था, पर मुझसे शादी की? संस्कार, हमने तुम्हारे जैसा कभी खेल नहीं खेला, जो किया सामने किया। अब तुम्हारी बारी, मंजूर है या नहीं? यहाँ आपने मेरे हाथ में डिवोर्स के साइन किए पेपर्स दिए, वहां सानिया को मैं दिल से स्वीकार करूंगा, प्रॉमिस। जी डॉक्टर, मैं शादी होते ही चेकअप के लिए जरूर आ जाऊंगी। जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर ये मेरे उस संस्कार की प्यार की निशानी है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इसे। लो पंडित जी आ गए। अरे आप बैठिए, मैं देखता हूँ ना, मैं उनको लेके आता हूँ। मैं जरा देख लूँ बेटा, इधर से। आइए पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी, आपको याद है ना, ये शादी सात फेरे नहीं बल्कि छह फेरे में पूरी होनी चाहिए। मुझे तो याद है, पर आप तो नहीं भूले हो ना, आधी शादी की दुगुना दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। कैसे भूल सकता हूँ, आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। अवश्य यजमान। मैंने पंडित जी से कह दिया है कि पांचवें फेरे के बाद सीधा सातवां फेरा ले, ताकि आभा को लगेगा कि मेरी और सानिया की शादी विधिवत पूरी होगी और वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देगी, मगर असलियत में मेरी और सानिया की शादी पूरी नहीं होगी। जैसे ही वो डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ आए, वैसे ही मेरी और आभा की शादी पूरी हो जाएगी, पूरे सात फेरे के साथ, छः घंटे बाद शादी होगी, मगर मेरी और तुम्हारी।